गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल डिस्कस ड्रग इंट्रक्शन. हम लोग लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कस कर रहे थे. हमने जीआईटी तक का ड्रग इंट्रक्शन को वीडियो डिक्लेयर कर दिया था. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग इंट्रक्शन में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इंट्रक्शन. जो ड्रग हम ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं, हमको हाइपरटेंशन कम करने के लिए जो ड्रग लेते हैं, उसके ड्रग इंट्रक्शन क्या क्या है. तो ग्वानिथेडिन अगर हम एमएओ इनहिबिटर के साथ देते हैं तो क्या आता है, एमएओ इनहिबिटर का एंटागोनिस इफेक्ट ऑफ ग्वानिथेडिन. मतलब हम दोनों को एक साथ नहीं दे सकते हैं. एंटागोनिस प्रॉपर्टी होती है एमएओ और ग्वानिथेडिन की, मेथाइलडोपा और इफेड्रिन. तो मेथाइलडोपा रिड्यूस लोकल माइड्रेटिक इफेक्ट. जो इफेड्रिन का इफेक्ट है वो मेथाइलडोपा उसको रिड्यूस कर देता है. मेथाइलडोपा और एम्फेटामिन रिड्यूस हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ मेथाइलडोपा. एम्फेटामिन क्या करता है, मेथाइलडोपा का जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है वो कम कर देता है. रेस्पिरिन एट्रोपिन सल्फेट के साथ देते हैं. नेजल डिकंडेंसेशन ड्यू टू रेस्पिरिन ब्लॉक बाय द एट्रोपिन. नेजल डिकंडेंसेशन होता है ड्यू टू रेस्पिरिन ब्लॉक बाय एट्रोपिन. रेस्पिरिन एफेड्रिन द सेम प्रॉब्लम रेस्पिरिन का एट्रोपिन और एफेड्रिन के साथ होता है. दोनों में हमारा नेजल डिकंडेंसेशन होता है. प्रोपेनोलॉल और एमआईओ इनहिबिटर अगर हम दोनों को साथ एक साथ देते हैं तो सीवियर हाइपरटेंशन अकर्स इन कंटर इंडिकेटेड. प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर होता है और इसके साथ हम एमआईओ इनहिबिटर देते हैं तो सीवियर हाइपरटेंशन होने का चांस रहता है. प्रोपेनॉल और इंसुलिन, प्रोपेनॉल बाइंड्स ब्लड शुगर एंड आल्सो ब्लॉक क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. देयरफॉर कॉम्बिनेशन शुड बी यूज विद इन कॉशन. प्रोपेनॉल और इंसुलिन को एक साथ नहीं देते हैं. इसके क्या होता है, प्रोपेनॉल जो ब्लड शुगर को है, ब्लड शुगर को बाइंड कर लेता है और जो क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है उसको भी ब्लॉक कर देता है. इसलिए दोनों को एक साथ नहीं देते. अगर देते भी हैं तो हम बहुत प्रिकॉशन के साथ देते हैं. नेक्स्ट हमारा है एंटीकोगुलेंट ड्रग इंट्रक्शन. एंटीकोगुलेंट में हमारा सबसे पहले आता है वारफेरिन और हेपेरिन. वारफेरिन और हेपेरिन टॉलब्यूटामाइड के साथ जब देते हैं तो क्या होता है, यूज हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज. वारफेरिन और हेपेरिन एस्पिरिन के साथ देते हैं तो हमारी एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी जब हम वारफेरिन और हेपेरिन एस्पिरिन के साथ देते थे. एंटीकोगुलेंट और लिक्विड पैराफिन ड्यू टू डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट इज यूज. क्या होता है कि लिक्विड पैराफिन विटामिन के का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देता है. हमारे बॉडी में विटामिन के कम एब्जॉर्ब होता है, उसके कारण एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है. वारफेरिन फिनाइल ब्यूटाजोन. वारफेरिन और फिनाइल ब्यूटाजोन क्या होता है कि यूज हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी. ओरल एंटीकोगुलेंट विद विटामिन ई. एंटीकोगुलेंट इफेक्ट इज इंक्रीज. जब हम विटामिन ई के साथ एंटीकोगुलेंट देते हैं तो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है. वारफेरिन और हेपेरिन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फोनामाइड टेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन. दिस ड्रग इंक्रीज एंटीकोगुलेंट इफेक्ट. जो हमने एंटीबायोटिक का नाम लिया स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फोनामाइड टेट्रासाइक्लिन नियोमाइसिन, ये सारे ड्रग वारफेरिन और हेपेरिन की एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है. अब हम बात करेंगे विटामिन ड्रग इंट्रक्शन. विटामिन में कौन कौन सा ड्रग इंट्रक्शन है. सबसे पहले विटामिन डी. विटामिन डी फिनोटोइन के साथ देते हैं. सीरम लेवल ऑफ विटामिन डी इज डिक्रीज. अगर फिनोटोइन के साथ विटामिन डी देते हैं तो सीरम लेवल विटामिन डी का डिक्रीज हो जाता है. विटामिन ए
मिनरल आयल, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए इज डिक्रीज। अगर विटामिन ए हम मिनरल आयल के साथ दे रहे हैं तो विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। फोलिक एसिड फिनोटोइन यूज एब्जॉर्प्शन ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है विटामिन बी से। लियोडोपा के साथ देता है तो मेटाबॉलिक ऑफ लियोडोपा डिक्रीज, द सीरम लेवल ऑफ डिक्रीज। विटामिन ई ओरल एंटीकोगुलेंट डिक्रीज इंक्रीज। ये पाइरिडॉक्सिन बारबिट्यूरेट यूज मेटाबॉलिज्म बारबिट्यूरेट, पाइरिडॉक्सिन ओरल कंट्रासेप्टिव यूज लेवल ऑफ पाइरिडॉक्सिन, विटामिन सी एंटीकोगुलेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन यूज द एंटीकोगुलेंट। ये सारे हमारे विटामिन के साथ ड्रग इंट्रैक्शन थे। नेक्स्ट हमारा ड्रग इंट्रैक्शन है एंटी एरिथमिक ड्रग इंट्रैक्शन, कार्डियोवास्कुलर ड्रग इंट्रैक्शन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है एंटी एरिथमिक। एंटी एरिथमिक ड्रग में हमारा प्रोसिनामाइड है, प्रोसिनामाइड अगर सल्फोनामाइड के साथ देते हैं तो एंटी बैक्टीरियल एक्शन जो है सल्फोनामाइड का वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब प्रोसिनामाइड के साथ सल्फोनामाइड नहीं देते हैं क्योंकि सल्फोनामाइड का एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ब्लॉक हो जाता है। प्रोसिनामाइड एंटी हाइपरटेंसिव, मोर हाइपरटेंसिव इफेक्ट। क्या होता है प्रोसिनामाइड और एंटी हाइपरटेंसिव जब ड्रग देते हैं तो हाइपरटेंसिव इफेक्ट बढ़ जाता है। प्रोसिनामाइड कोलिनर्जिक एजेंट, तो प्रोसिनामाइड जो है एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, एंड स्केलेटन मसल हेंस शुड बी अवॉइडेड इन मायस्टेटिक पेशेंट। तो कोलिनर्जिक एजेंट प्रोसिनामाइड एक साथ नहीं देते हैं। डिजिटेलिस कार्डिक लाइकोसाइड ड्रग इंट्रक्शन में हमारा डिजिटेलिस है, डाइजेक्सिन है, डिजिटेटिक लाइकोसाइड है। तो डिजिटेलिस थायाजाइड, अगर डिजिटेलिस थायजाइड के साथ देते हैं तो हाइपोकैल्विया होता है। डिऑक्सिन कैल्विन के साथ देते हैं तो एब्जॉर्ब डाइजॉक्सिन, दस डिग्री एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजॉक्सिन, एब्जॉर्प्शन डाइजॉक्सिन का कैल्विन के साथ कम हो जाता है इसलिए नहीं देते हैं। डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड में क्या होता है फिनोबार्बिटेन और बारबिट्यूरेट और फिनोटोइन के साथ देते हैं तो ये सारे ड्रग मेटाबॉलिक ऑफ कार्डिक ग्लाइकोसाइड का इंक्रीज करते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिक इंक्रीज हो जाएगा ड्रग की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। ये हमारे ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन थे, इसके रीजन क्या है, रीजन और काज ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। सबसे पहला रीजन ये होता है कि जब हम दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ देते हैं तो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होने का चांस है। सबसे पहला कंडीशन यही है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग से रिएक्शन करता है, वो फिजिकल इंट्रैक्शन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू आर मोर ड्रग साइमल्टेनियसली इन कॉमन प्रैक्टिस मोर ड्रग आर प्रिस्क्राइब एट द टाइम विच मे बी वन ऑफ मेन कॉज ऑफ द ड्रग इंट्रैक्शन। क्या होता है कि दो या दो से अधिक ड्रग प्रिस्क्राइब रहते हैं और दोनों ड्रग जब एक साथ लेते हैं तो मेजर ड्रग इंट्रक्शन का कारण यही रहता है। दूसरा क्या होता है, पेशेंट में रिफर मेनी डॉक्टर्स मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस। पेशेंट क्या करते हैं बहुत से डॉक्टर को एक ही बीमारी दिखाते हैं तो क्या रहता है कि एक ही बीमारी के मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन हो जाते हैं। मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन होने का मतलब मल्टीपल ड्रग मल्टीपल डोज और उसके वजह से ही हमारा ड्रग ड्रग इंट्रक्शन होता है। ये किस लिए होता है क्योंकि बहुत बार पेशेंट एक डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर को विदाउट इंफॉर्मेशन प्रीवियस कंसल्टेशन जो जिस डॉक्टर को पहले दिखाया था उस डॉक्टर को बिना इन्फॉर्म किए दूसरे डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन कराता है या दिखाता है। दिस मे रिजल्ट इन द टेकिंग द ड्रग विच मे बी इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसमें क्या होता है कि जो दवा ले रहा था या दूसरा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उससे भी इंट्रैक्शन का चांस बढ़ जाता है। तीसरा रीजन होता है कॉन्करेंट यूज ऑफ प्रिस्क्राइब एंड नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट प्रिस्क्राइब ड्रग भी लेता है और नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग भी लेता है, दोनों ड्रग लेने से ड्रग इंट्रैक्शन होने का चांस रहता है।
patient may take the drug like aspirin, paracetamol, which are available without prescription. In such patient, take other drug prescribed by physician. Drug interaction may be occur and detrimental to the पेशेंट. क्या होता है कि बहुत से पेशेंट पैरासीटामॉल या एस्पिरिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल होता है और पेशेंट लेते हैं, उसके साथ जो डॉक्टर ने कोई दूसरी बीमारी है, मान लो कोई एंटीकोगुलेंट ड्रग ले रहा है या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है, तो उसके साथ दूसरा ड्रग उन्होंने एस्पिरिन या पैरासीटामॉल लेते हैं तो ड्रग ड्रग इंफेक्शन का चांस होता है. Patient non-compliance. Sometimes patient does not comply with the instruction given by physician. Patient may take food which is being provided. बहुत बार क्या होता है, patient डॉक्टर ने जो instruction दिया है, जो भी उनसे बोला गया है कि आपको food नहीं लेना है, और उसके साथ वो drug भी लेते हैं, और जो खाना मना किया गया है वो भी वो खाना लेते हैं, तो भी एक रीजन होता है drug interaction का. Availability of potent drug may interact with other drug and thus may produce dangerous complications. बहुत से potent drug available होते हैं. Potent drug क्या रहता है, less amount ही उसकी effective रहती है हमारे body के लिए pharmacological response के लिए. तो अगर वो less amount drug effective है या उसके वजह से pharmacological action आता है तो ही less amount drug रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन के वजह से ही ड्रग इंट्रैक्शन होता है और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. ये तो हमारा ड्रग इंट्रैक्शन हुआ. इसके बाद रोल क्या है फार्मासिस्ट का, रोल ऑफ फार्मासिस्ट टू अवॉइड ड्रग इंट्रैक्शन. फार्मासिस्ट का रोल क्या है, सबसे पहला रोल आता है कि फार्मासिस्ट शुड डू पेशेंट काउंसलिंग टू मेक द पेशेंट अवेयर अबाउट द ड्रग इंट्रक्शन. जिस ड्रग का इंट्रक्शन होता है उसके लिए फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग करे कि आप ये दोनों एक ड्रग एक साथ लोगे तो ये इफेक्ट हो सकता है या इसके साथ नहीं लेना चाहिए, इस ड्रग के साथ हमको ये फूड नहीं लेना चाहिए. तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कौन कौन से ड्रग एक साथ नहीं लेते हैं, ड्रग का इंट्रक्शन क्या है, ड्रग का फूड के साथ क्या इंट्रक्शन है, तभी हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे. तो सबसे पहला जो रोल होता है, फार्मासिस्ट शुड डू पेशेंट काउंसलिंग टू मेक द पेशेंट अवेयर अबाउट ड्रग इंट्रक्शन. ड्रग इंट्रक्शन के बारे में पेशेंट की काउंसलिंग करना है, उसको अवेयर करना है. दूसरा, Pharmacist should provide vital information about the drug to patient regarding drug selection and administration. जो ड्रग का इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट पेशेंट को बताना चाहिए किसके साथ क्या होता है, कैसे आपको ड्रग का सिलेक्शन करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है. थर्ड रोल होता है, फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल शुड मेंटेन ड्रग हिस्ट्री एंड मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट. मेडिकल हिस्ट्री इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमको पता रहता है कि कौन से पेशेंट का कौन से ड्रग के साथ एलर्जी है या इंट्रक्शन हुआ था. इसके लिए पेशेंट की हिस्ट्री और उसका मेडिकल रिकॉर्ड फार्मासिस्ट को रखना चाहिए. Pharmacist working in hospital should maintain drug history and medical record of patient. जो भी patient हैं hospital में आए हैं, जो भी hospital में आते हैं, जो hospital pharmacist है, उसको क्या करना है, patient का medical record और drug history वो होना चाहिए. Pharmacist can educate the people and public आर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज बाई रिटेन मटेरियल एंड यूज ऑफ कंप्यूटर. फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे पब्लिक है, जो भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन. सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन, उसका यूज कैसे है, जो भी मेडिकेशन है वो कैसे करेगा, वर्बल कम्युनिकेशन, उसको ओरली कम्युनिकेट करेगा, बताएगा कि ये आपका
कैसे आप सेफ यूज करते हैं मेडिसिन का, और या तो वर्बल कम्युनिकेशन करें या कोई रिटन मटेरियल हो या प्रिंटेड मटेरियल हो बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर। ये सारा रोल होता है फार्मासिस्ट का टू अवॉइड ड्रग इंट्रक्शन। हमारा ड्रग इंट्रक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डिफाइंड एज एनी रिस्पॉन्स टू ए ड्रग दैट इज नॉसियस और अनइंटेंडेड एंड दैट अकर एट डोज यूज इन द मैन ऑफ द प्रोफाइलेक्सिस डायग्नोसिस या थेरेपी। जो हम ड्रग ले रहे हैं, हमारे हर ड्रग का एक इंटेंडेड यूज है, इंटेंडेड पर्पज है। हम अगर पैरासीटामॉल ले रहे हैं तो पैरासीटामॉल का इंटेंडेड पर्पज है कि वो एनसेड है, वो हमारे शरीर का दर्द कम करेगा या एंटीपायरेटिक इफेक्ट आएगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम करेगा। उसका क्या इंटेंडेड पर्पज है? हमारा इंटेंडेड पर्पज फिक्स हो गया इस ड्रग का कि हमको ड्रग लेंगे तो हमारा ये पर्पज है, ये रिस्पांस आना चाहिए। इस रिस्पांस के अलावा कोई दूसरा रिस्पांस आता, नॉसियस और अनइंटेंडेड कोई रिस्पांस आता है, हम उसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पर्सन मेडिसिन कब लेता है? प्रोफाइलेक्सिस में, प्रोफाइलेक्सिस के लिए लेता है या डायग्नोसिस के लिए लेता है या थेरेपी के लिए लेता है, तीन ही चीज के लिए मेडिसिन लेगा। या तो बीमारी का पता लगाने के लिए, या तो बीमारी को सही करने के लिए, या बीमारी के बचाव के लिए, इन्हीं तीन चीज के लिए मेडिसिन लेगा। इस मेडिसिन लेने का जो इंटेंडेड पर्पज है, जो उसका यूज था, उसके अलावा कोई अगर इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेनली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है बेनिफिशियल एडवर्स ड्रग रिएक्शन और दूसरा होता है हार्मफुल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आप सब लोग बोलेंगे कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन बेनिफिशियल हो सकता है? अगर हम बात करें एस्प्रिन का, एस्प्रिन जब पहले मैन्युफैक्चर हुआ था तो उसका मेन पर्पज था एनाल्जेसिक इफेक्ट, लेकिन जो उसका एडवर्स रिएक्शन था वो ब्लड को पतला करता था, एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी बढ़ा देता था। तो आज की डेट में एस्प्रिन का यूज बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं एनाल्जेसिक के लिए, बट उसका यूज हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज में करते हैं या एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी में करते हैं कि हमारा ब्लड कहीं क्लॉट ना हो जाए। अगर किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को प्रिवेंशन के लिए बहुत से ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ इसका दिया जाता है, जैसे क्लोपी के साथ हम एस्प्रिन का फॉर्मेशन है। ये हमारा एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन का था, बेनिफिशियल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दूसरा था मिनोऑक्सिडिल। मिनोऑक्सिडिल वैसोडायलेटर था, वो वैसोडायलेटर से एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए यूज किया गया कि हमारा वैसोडायलेटर होगा और जो हमारा हाइपरटेंशन है वो कम होगा। बट वैसोडायलेटर की वजह से उसके एडवर्स रिएक्शन से चेहरे पे या सर पे लोगों के बाल आने लगे। तो आज के डेट में मिनोऑक्सिडिल का यूज हमारा सेकेंडरी हो गया। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन दो है, सबसे पहला बेनिफिशियल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दूसरा हार्मफुल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पहला हो गया बेनिफिशियल, दूसरा हो गया हार्मफुल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हार्मफुल एडवर्स ड्रग रिएक्शन दो तरह से फिर से आगे डिवाइडेड है। पहला होता है प्रिडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन और दूसरा अनप्रिडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। प्रिडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या रहता है कि हमको पता है कि ये ड्रग हम लेते हैं तो हमारा ये इफेक्ट हो सकता है, इतना परसेंटेज है, इतना चांस ही हो सकता है। तो प्रिडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्यू टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा आया उसके वजह से हमारा प्रिडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है। दूसरा जो प्रिडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्यू टू सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट।
जो हम ड्रग लिए हैं, एक प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उस ड्रग का, दूसरा हुआ सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो जो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके कारण प्रेडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। तीसरा रीजन हो सकता है एडीआर ड्यू टू द सडन विड्रॉल ऑफ ड्रग। अगर हमने वो ड्रग थेरेपी सडनली बंद कर दिया तो हमारा प्रेडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा अनप्रेडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अनप्रेडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में हमारा स्किन रैशेस, एनाफिलैक्सिस, ये हमारे क्या है? अनप्रेडिक्टेड एडीआर। जनरली डिटरमाइंड रिएक्शन कार्डियोजेनेसिस, टाटोजेनिसिटी, ये सारे क्या हैं? अनप्रेडिक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये तो हमने बेसिक बता दिया कि ये चीज़ें होती है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन करेंगे। पहला होता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट आर द फैक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस विद द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग। जो हमारा थेरेप्यूटिक जो ड्रग है उसके साइड इफेक्ट की वजह से हमारा उसको भी हम एडीआर बोलते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सब एग्जाम्पल के लिए होता है सबसे पहले ड्राइनेस ऑफ माउथ विद एट्रोपिन। जब हम एट्रोपिन देते हैं तो मुंह का ड्राइनेस, मुंह एकदम सूख जाता है। साइड इफेक्ट विच माइट बी ट्रबलसम इन पर्टिकुलर कंडीशन में प्रोवाइड यूजफुल अंडर अदर सर्कमस्टेंसेस। दूसरा क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ माउथ इज अनडिजायरेबल व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर गिवन एट्रोपिन। अगर कोई पर्सन को पेप्टिक अल्सर है और उसको एट्रोपिन देते हैं तो हमको ड्राइनेस ऑफ माउथ नहीं चाहिए। सच ए ड्राइंग इफेक्ट हाउएवर यूजफुल व्हेन एट्रोपिन इज यूज एज द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अगर हमने जब हम पेप्टिक अल्सर में एट्रोपिन देते हैं तो वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ जो माउथ है वो अनडिजायरेबल, वो हमको वहाँ पे नहीं चाहिए। यही जब एट्रोपिन हम देते हैं प्री एनेस्थेटिक में, जहाँ पे प्री एनेस्थेटिक ड्रग देना है वहाँ पे हमारा यूजफुल उसका यही साइड इफेक्ट हमारे लिए यूजफुल है। व्हेन एट्रोपिन यूज एज द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन साइटोटॉक्सिक ड्रग सच एज साइक्लोफास्पामाइड यूज टू कंट्रोल कैंसर इंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ मार्कोसाइटोसाइट एंड दस कॉज द पर्पेरिक ब्लीडिंग। तो एक ही ड्रग का जो इफेक्ट है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और अनडिजायरेबल भी हो सकता है। दूसरा अनटूवर्ड्स इफेक्ट। अनटूवर्ड्स इफेक्ट क्या होता है? अनटूवर्ड्स इफेक्ट डेवलप विद द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ ड्रग, दे आर अनडिजायरेबल एंड इफ वेरी अनडिजायरेबल एंड मे नेसेसरीट द सस्पेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल के लिए वोमिटिंग एंड डायरिया विद पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल डायरिया फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन थेरेपी एंड पोटेशियम लॉस ड्यू टू डायबिटिक ड्रग। तो अनटूवर्ड्स इफेक्ट में क्या होता है? अनटूवर्ड्स इफेक्ट डेवलप विद द थेरेप्यूटिक डोज ऑफ द ड्रग। अनटूवर्ड्स इफेक्ट भी हमारा थेरेप्यूटिक डोज है जो ड्रग का उसके साथ ही वो आता है, ये अनडिजायरेबल हो सकता है। एंड जो इसका इफेक्ट है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वोमिटिंग एंड डायरिया विथ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो फिनाल पैरासिटामॉल होता है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड एंसिड की कैटेगरी की ड्रग होती है। तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकल डायरिया जो है टेट्रासाइक्लिन के साथ हुआ है तो लॉस ऑफ ड्यू टू डायबिटिक ड्रग। तो हमारा यहाँ पे इफेक्ट ये आता है।
टॉक्सिक इफेक्ट, हमने क्या है साइड इफेक्ट, अनटॉवर्ड्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है? दीज आर सीन यूजली व्हेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिपीटेडली एंड आर इन लार्ज डोज। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होगा? जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है हर ड्रग का, जब हम बॉडी में लेते हैं, जब हम हमारे शरीर में जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं और किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लिए, या तो ओरल लिए या पैरेंट्रल लिए या टीडीएस लेटर डर्मल लिए, जो भी हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लिए, तो हमारा ड्रग हमारे शरीर के अंदर हर ड्रग का अलग मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है। उस कंसंट्रेशन से कम अगर कंसंट्रेशन है ड्रग का तो उस ड्रग का इफेक्ट नहीं आता, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हमको मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन करना पड़ेगा अपने शरीर में, जो हमारे साइट हैं उस साइट को उतना इफेक्ट आएगा तभी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। सेकंड आता है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होता है? उसके ऊपर अगर हमारे शरीर में ड्रग होता है तो क्या होता है? टॉक्सिक इफेक्ट होता है। और इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच की जो रेंज होती है, हम उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स। उस कंसंट्रेशन के बीच में अगर शरीर में हमारे अंदर ड्रग है तो उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उतने टाइम तक आता है, उससे कम होगा तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा। तो टॉक्सिक इफेक्ट के लिए हमने रिपीटली ड्रग लिया, हमने एक लिया फिर दो घंटे बाद दूसरा ले लिया, तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर धीमे धीमे कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वो कंसंट्रेशन मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाएगा। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हमारे शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, अगर हमने जितना डोज प्रिस्क्राइब है उस डोज से ज़्यादा भी लेंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। ड्यूरिंग टॉक्सिसिटी यूजली द प्राइमरी एट्रीब्यूट ऑफ ड्रग एंड ड्रग डिपेंडर पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेशन विद मॉर्फिन और डिफनेस फॉलोइंग डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। हमने एग्जांपल बताया है कि अगर टॉक्सिसिटी होती तो क्या हो सकता है, कि अगर मॉर्फिन का टॉक्सिसिटी होगा तो क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारे सांस लेने में है वो पैरालिसिस हो जाएगा, डिफनेस होगा डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ। ये तो हमने एडवर्स रिएक्शन के जो थे हमने उसके स्टेज बताया क्या क्या होते हैं। इसके बाद आता है हमारा रीजन फॉर एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, क्या क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन होता है एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन का है एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग। अगर किसी पेशेंट को जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया है वो प्रॉपर नहीं है, गलत है, उसका रीजन हो सकता है पहला, या तो जो ड्रग उसको डिस्पेंस किया गया है, जो ड्रग दिया गया है वो भी इम्प्रॉपर है, तो इस वजह से हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। इसके बाद आता है सम ड्रग है वेरी नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने अभी आपको बताया था थेरेप्यूटिक इंडेक्स, जो उसका मार्जिन होता है बहुत कम होता है, उसमें थेरेप्यूटिक डोज और टॉक्सिक डोज दोनों के बीच का रेंज बहुत कम होता है, तब हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आने का चांस रहता है। इन सच पेशेंट ड्रग आर डिजिटलिस आर यूज वेरी केयरफुली फैटल एडीआर कैन अकर। अगर हम डिजिटलिस को अच्छे से यूज नहीं केयरफुली यूज नहीं करते हैं तो इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में फैटल हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। बहुत बार क्या होता है मेनी टाइम्स फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन ऑफ द डिफरेंट कंपनी आर थेरेप्यूटिकली नॉट इक्विवेलेंट। जो हम सेम ड्रग ले रहे हैं, मान लो हमारा सिंपल सा मान लो हम टेलमिसार्टन की बात कर रहे हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को दिया जाता है, तो टेलमिसार्टन 40 mg बहुत से कंपनी के आते हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं उनका बायो इक्विवेलेंस जो है उसकी जो बायबिलिटी है वो बायबिलिटी एक समान नहीं है, किसी की बायबिलिटी ज़्यादा है जिस
किसी ड्रग की वायबिलिटी कम है। जो अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी वायबिलिटी बेटर होती है। जो मीडियम स्केल या जिसकी बहुत सी कंपनियों की वायबिलिटी, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एफिकेसी अच्छी नहीं है, जिन्हें रॉ मटेरियल बेटर यूज नहीं किया है, उसकी वायबिलिटी कम होती है। तो डिफरेंट वायबिलिटी की वजह से हमारा एडीआर हो सकता है। मेनी टाइम्स फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन ऑफ द डिफरेंट कंपनीज आर थेरेप्यूटिकली नॉट इक्विवेलेंट। जो हमारा थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो नहीं हो जाती है, उसका कारण क्या रहता है? ड्यू टू डियर डिफरेंसेस इन बायोबिलिटी। बायोबिलिटी क्या रहती है कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो ड्रग लेने से हमारे जो हमने थेरेप्यूटिक डोज लिया है उसका रेट कौन से रेट के सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है। हमने कोई टेबलेट लिया, वो टेबलेट पहले हम ओरली लेते हैं, वो जीआईटी में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, पहले उसका डिजोल्यूशन होगा और टेबलेट डिजॉल्व होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे बैरियर है, वो बैरियर हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों टाइप के बैरियर होते हैं। वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर में जाएगा, लीवर में फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसके बाद ब्लड में जाएगा। तो इसका जो रेट है वो रेट बराबर नहीं होता है। बहुत सर हमने अगर हमारी एपीआई जो है एंटी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अगर बेटर क्वालिटी का नहीं है तो हो सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी बेटर ना हो। अगर वो सॉल्युबल ही नहीं हुआ, हमने ओरल टेबलेट लिया और वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया। जो उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है डी फार्म, एल फार्म, एस फार्म, आर फार्म, जो हम आइसोमर बोलते हैं, अगर उस हमने तो क्लेम कर दिया कि हमारा इम्नोडिपिन है, सपोज एग्जांपल हमने इम्नोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके एग्जांपल लेते हैं, तो जो एस फार्म ऑफ इम्नोडिपिन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो जब हमारा इम्नोडिपिन बनता है तो उसमें एस फार्म भी होगा। तो हम जब टेस्ट करते हैं तो कंपनियां क्या बोलती है, हमारा एम्नोडिपिन 5 mg है, बट वो कौन सा 5 mg है, उसका एब्जॉर्प्शन कितना, सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो जो एपीआई की जो प्रॉपर्टी है, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है बायोबिलिटी पे। सेकेंड जो थिंग्स आती है वो आती है फार्मुलेशन। जो हमने टेबलेट बनाया उसमें जो एक्सपीरियंस डाले, उस एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी कैसी है। हमने बाइंडर ऐसा डाल दिया कि वहाँ से ग्रेनोस जीटी तो बराबर है, लेकिन एपीआई को उतना वो बाइंड कर लिया है, को रिलीज ही नहीं होता है। टेबलेट डिसिंग्रेट हो गया गया बट वहाँ पे रिलीज नहीं हुआ। तो जो एक्सपीरियंस है, जिस इंटेंडेड पर्पज के लिए हम एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, वो इंटेंडेड पर्पज वहाँ पे होना चाहिए। तो बहुत से फार्मुलेशन की वजह से भी हमारी वायबिलिटी वैलेंट नहीं रहती है। इसके वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन आने का चांस रहता है। द थेरेप्यूटिक डोज इज नॉट ऑब्टेन ऑन द अदर हैंड टॉक्सिक कंसंट्रेशन मे बी ऑब्टेन व्हिच लीड्स टू एडीआर। हो सकता है कि हम पहले कोई लो वायबिलिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, मान लो कि हमने किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया था, सपोज एक्स प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एंटी डायबिटिक ड्रग कोई किया, मान लो हम उनको मेटफार्मिन और लिमिप्राइड ले रहे थे, 5% ले रहे थे, मेटफार्मिन 500 mg और लिमिप्राइड 1 mg कॉम्बिनेशन का टेबलेट वो बीडी डोज में ले रहे थे। उस सुबह शाम के डोज से उनका जो लो बायोवेलेबल प्रोडक्ट था, जिसकी क्वालिटी लो थी, उससे उनका शुगर लेवल मेंटेन था। क्या हुआ कि वो गए, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन चेंज करके दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज जिस एंटी डायबिटिक जो ड्रग मेटफार्मिन और लिमिप्राइड किसी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लेते हैं, जिसकी बायबिलिटी बेटर है। तो क्या होगा, वहाँ पे जिसकी बायबिलिटी कम थी उससे मेंटेन था, या बेटर बायबिलिटी के लेंगे तो हो सकता है वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाए, उनका शुगर लेवल जो हमारी रेंज है उस रेंज से भी कम।
तो ये हमारे इफेक्ट होते हैं बायोबिलिटी के कारण एंडोट्रॉक्सिन आते हैं, क्योंकि जो थेरोपेटिक बायो इक्विवेलेंसी है, जो इक्विवेलेंट थेरोपेटिक इक्विवेलेंस है, वो बायोबिलिटी के कारण डिफरेंट हो जाती है। ये सारे फैक्टर जो हैं, तो ऑल दिस फैक्टर कैन बी मॉनिटर दस आर द सम फैक्टर रिलेटेड टू द पेशेंट। हमारा जो बायोबिलिटी की बात करते हैं उसमें पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन, सॉल्यूशन, उसके पेरिस्टेलिक मूवमेंट, सारी चीज़ें डिपेंड होती है पेशेंट के फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे। तो बायोबिलिटी ड्रग की बेटर हो सकता है, उस पेशेंट के अंदर एसिड का सेक्रेशन कम हो रहा है, तो हमारा अगर कोई एसिडिक ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, ड्रग का फैक्टर और पेशेंट का फैक्टर, ये सारे फैक्टर के साथ ही हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। प्रेजेंस आर डिजीज ऑफ लिवर या किडनी विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म स्पेशल ड्रग। किसी पेशेंट को अगर लीवर और किडनी की डिजीज है, जहाँ से हमारा ड्रग एक्सक्रीट होता है, मेटाबोलाइट होता है, हो सकता है वो ड्रग एक्सक्रीट ही ना हो, कोई किडनी का पेशेंट है ड्रग ले रहा है और उस ड्रग का किडनी की बीमारी की वजह से अगर एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो क्या होगा, धीमे धीमे उस पेशेंट के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ सब एंजाइम, कोई बीमारी है, अगर मान लो कि किडनी का है, सीकेडी पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो उसमें एरिथ्रोप्रोटीन एंजाइम का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आरबीसी बनेगा ही नहीं। तो बहुत से कंडीशन आती है पेशेंट की जिस पे एडवर्ट रिएक्शन का चांस पेशेंट की कंडीशन की वजह से। Enzyme inhibition all leads to the accumulation of drug moiety in area which can be resolved. अगर जो हमारे बहुत से एंजाइम नहीं बने और उस एंजाइम हमारा अगर मेटाबोलिक या एक्सक्रीशन में भाग लेता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी हमारे बॉडी में, बढ़ जाएगा ड्रग का कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी होने का चांस रहेगा। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, ड्रग इंडोस डिजीज विद एग्जाम्पल डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन, जनरली ये एंटीबायोटिक के साथ होता है। हिपेटिक डिजीज, हिपेटोटॉक्सिन्स, जीआईटी डिजीज, जनरली सेल्सिलेट एंटीडायबिटिक ड्रग के साथ होता है। जो भी हम सेल्सिलेट लेते हैं तो उससे हमारा पेप्टिक फोर अल्सर होने का चांस रहता है। हिपेटिक डिजीज हमारे हिपेटोटॉक्सिक मेडिसिन लेते हैं तो हिपेटिक डिजीज होने का चांस रहता है। एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन होने का चांस रहता है। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकता है, ये प्लास्टिक एनीमिया किसके कारण हो सकता है, क्लोरम फेनिकॉल सल्फोनामाइड फिनाइल ब्यूटाजोन, इनके कारण हमारे हिमेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था ये प्लास्टिक एनीमिया का, ये प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है क्लोरम फेनिकॉल सल्फोनामाइड एंड फिनाइल ब्यूटाजोन। एग्रेनुलोसाइटोसिस किस कारण हो सकता है, एमाइनोपायरेन्स सल्फोनामाइड्स, ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, एंटी थायराइड ड्रग एंड फिनोथायाजाइन। हम मेनली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ड्रग कैटेगरी, सल्फोनामाइड्स में डिफरेंट सल्फोनामाइड्स आते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक में डिफरेंट हाइपरग्लाइसेमिक, हम यहाँ पर ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं। जो इस कैटेगरी के ड्रग है आपका, वो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में जो भी फार्माकोलॉजी का टीचर है, उस कैटेगरी के ड्रग आप उसके डीप में वो बताएंगे। हमारा यहाँ पे मल्ली एडिया एडवर्ड ड्रग सिलेक्शन, तो एग्रोनोसाइट हो सकता है एमाइनोपायरेंस के कारण, सल्फोनामाइड्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी थायराइड ड्रग्स एंड फिनोथायाजाइन्स, इन ड्रग के कारण एग्रोनोसाइट हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट,
एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब होता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डब्ल्यूबीसी काउंट कम को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। जब हम कैंसर वाले मेडिसिन लेते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, तो क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। सल्फोनामाइड के साथ भी डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। एंटी कोएगुलेंट लेते हैं उसके साथ हो सकता है। फिनोथायाजाइन्स प्रोड्यूस बोन मैरो सप्रेशन। एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट सल्फोनामाइड, एंटी कोएगुलेंट, फिनोथायाजाइन्स प्रोड्यूस बोन मैरो सप्रेशन, ये सप्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हमने कितने एनीमिया बताए हैं, प्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और हीमोलिटिक एनीमिया, तीन तरह की एनीमिया होती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके कारण हो सकता है, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन डेरिवेटिव्स। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमने बताया प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन डेरिवेटिव। फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, फोलिक एसिड क्या होता है हमारा, फोलिक एसिड हमारा विटामिन B12 होता है, तो ये हमारा भाग लेता है RBC डिटेक्शन में, RBC बनाने में। अगर हमने कोई फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट लिए जो फोलिक एसिड की प्रॉपर्टी कम कर रहा है, तो क्या होगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एंड अदर एजेंट लाइक फिनोटेक, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी, हमारा विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया एंटी मलेरियल ड्रग के साथ हो सकता है, नाइट्रोपिरेटिडिन के साथ होता है, सल्फोनामाइड के साथ हो सकता है और एस्प्रिन के साथ हो सकता है, तो ये हमारे हीमोलिटिक डिसऑर्डर थे। ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी क्या होता है, ड्रग इफेक्ट द फंक्शन ऑफ ए एयर। हमारा कोई ड्रग है, ड्रग का जो हमारा ड्रग के कारण जो ईयर का फंक्शन है, जो सुनने के जो भी हमारा ईयर का फंक्शन है, ईयर मेन फंक्शन क्या, सुनाई देना, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो वर्टिबुलर टॉक्सिसिटी, डिजीनेस, माइनोसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन और सेल्सिलेट, इससे हमारा हो सकता है। फोलिकुलर टॉक्सिसिटी रिजल्ट इन लॉस ऑफ हियरिंग, स्ट्रेप्टोमाइसिन और नियोमाइसिन, इसके कारण भी हो सकता है। ऑकुलर टॉक्सिसिटी, ऑकुलर हम वर्ड यूज करते हैं आपके लिए, ऑकुलर टॉक्सिसिटी क्या हो सकता है, लार्ज एंड वाइड वैरायटी ऑफ ड्रग इफेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ आईज। बहुत से हमारे ड्रग हैं जो आँख पे इफेक्ट करते हैं, जो भी आपका फंक्शन है, जो उसके वेरियस पार्ट हैं उस पे इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्या है, कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है, पैरेक्ट्रल फिनोथायाजाइन इसके वजह से होता है, कॉर्नियल वर्टिलाइट होता है, ब्लड विजन हो सकता है, ब्लड विजन जो होता है एंटी साइकोटिक एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के कारण होता है। ब्लड विजन हम किसके लिए बताए, एंटी साइकोटिक एंड जो डिप्रेसेंट में यूज करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, उसके द्वारा ब्लड विजन हो सकता है। एंड ट्राई जो हम दूसरा ड्रग कैटेगरी हमने बताया ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट की एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें ट्राई साइक्लिक ड्रग यूज करते हैं, उसके कारण हमारा ब्लड विजन हो सकता है। कॉर्नियल एपिसाइटिस होती है फिनोथायाजाइन के कारण, पिगमेंट्री रेटिनोपैथी हो सकती है, थायरॉइड डाइजिन के कारण, एक्यूट ग्लूकोमा होता है, कार्डियोस्टेरॉइड लाइक डेक्सामेथासोन, कार्डियोस्टेरॉइड होता है उसके वजह से एक्यूट ग्लूकोमा हो सकता है। ये सारे क्या, ऑप्टिकल न्यूरोपैथी, क्लोरामफेनिकॉल, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेथम्ब्यूटाल, बारबिट्यूरेट, इन ड्रग के कारण ऑप्टिकल न्यूरोपैथी हो सकती है। रीनल डिजीज किसके कारण हो सकता है, रीनल डिजीज में क्या है, एक्यूट रीनल फेल्योर और नेफ्रोडाइटिस, ये हम बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।